हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। जीआर एलईडी लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। विस्तारा जय साईनाथ, जय साईनाथ।
जब सूर्य का उदय होता है तब संसार के लोगों के लिए एक नए दिन की शुरुआत होती है। वो नया दिन और बीता हुआ कल एक समान होता है? नहीं, एक समान नहीं होता है। वो नया दिन, वो नया सूर्योदय इंसान की जिंदगी के साथ पूरी प्रकृति में एक नया बदलाव लेकर आता है। वो बदलाव हमें पेड़ों पर, वृक्षों पर, पेड़ पौधों पर हरे भरे नए पत्तों के रूप में दिखाई देता है। हम कलियों को फूलों में तब्दील होते हुए देखते हैं। एक दिन, सिर्फ एक दिन, प्रकृति के साथ साथ इंसानों की जिंदगी में भी कितना बड़ा बदलाव ला देता है। क्यों? क्योंकि सूर्य का उदय केवल सूर्योदय नहीं है, वो एक आशा, एक उम्मीद, ऐसी उम्मीद जो हालात से लड़कर कामयाबी पाने का मंत्र देती है। सूर्योदय है एक साक्षात्कार जो कहता है, जीना है तो दूसरों के लिए भी जियो, सिर्फ स्वार्थी बनकर अपने लिए नहीं, पूरी दुनिया को रोशनी देने वाले शक्तिशाली सूरज को भी रात्रि निकल जाती है। लेकिन सूरज उम्मीद नहीं छोड़ता, रात्रि से लड़ता है और उसे जीतकर फिर उदय होता है। ये एक संदेश है जो उगता हुआ सूरज हर सुबह हम इंसानों को देता है कि जिंदगी से हारने वालों, उठो, आशा की उम्मीद की किरणों को जलाए रखो, जिंदगी की जंग में जीत तुम्हारी ही होगी। आज अचानक देवा ने सूर्य उदय पर प्रवचन दिया, क्या अर्थ होगा इसका? बिना किसी अर्थ के साईं बाबा का कोई प्रवचन नहीं होता। यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा सगुन, क्या कहना चाहते हैं देवा? शायद आज का सूर्योदय शिरडी में कुछ बदलाव लाने वाला होगा। साईं बाबा का संकेत भी शायद इसी ओर हो। अरे, अरे ये टांगी में कौन आया? हाँ, कौन है? प्रणाम गुरुदेव। शिरडी में आपका स्वागत है। कल्याण गुरुदेव, शिरडी में आपका स्वागत है। सबका कल्याण। ये नया गुरुदेव कौन आया है? इन्हें तो हमने पहले कभी देखा ही नहीं शिरडी में। ललाट तो तेजस्वी है, लगता है कोई साधु संत है। अरे लक्ष्मी की माँ, ये मोटू द्वारकानाथ जिसके सामने हाथ जोड़े वो साधु संत कैसे हो सकता है? गुरुदेव, यहाँ पासी में एक मकान में आपके ठहरने का प्रबंध किया है। गुरुदेव, आज आपने शिरडी में कदम रखे, पूरी शिरडी धन्य हो गई। हाँ। अरे बैग जी, शिरडी तो उसी दिन धन्य हो गई थी जिस दिन साईं बाबा ने शिरडी में कदम रखा था। नादान है गुरुदेव, नादान है। बच्चा है। बच्चा? मैं बच्चा हूँ? अरे समय पर मेरी शादी कर देते तो मैं 4-6 बच्चों का बाप बन जाता। अरे नालायक, चुप रहे, जब भी मुंह खोलता है उल्टा ही बोलता है। गुरुदेव इसे क्षमा कीजिए, इसका बचपना अभी नहीं गया है। ये बच्चा नहीं है, ये मन का सच्चा है द्वारकानाथ जी। इसके दिल में कोई बुराई नहीं है, ऐसे ही लोगों से तो ये दुनिया कायम है। अरे राम राम राम, अच्छा दिखता नहीं है, दिख रहा है, चलते चलिए गुरुदेव।
राम 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 गुरुदेव, ये मकान कैसा है? मैं शिरडी में मकान में रहने के लिए नहीं आया हूँ द्वारकानाथ जी, मैं शिरडी आया हूँ लोगों को ज्ञान देने। अगर हो सके तो उनका इंतजाम कीजिए। साईं बाबा ने तो पहले से ही शिरडी के लोगों को ज्ञानी बना दिया है गुरुदेव। नालायक, अपने ज्ञान का प्रदर्शन मत कर, चुप रह। मैं शिरडी के लोगों को ये बताने आया हूँ कि प्रेम करना है तो मालिक से करो। सुनो 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 गांव वालों, सुनो, शिरडी में ज्ञान की वर्षा करने, आप सबका उद्धार करने, विद्वानों के विद्वान, ज्ञानियों के ज्ञानी, गुरुओं के महागुरु गुरुदेव जोहार आए हैं, आप सभी उनका प्रवचन सुनने जरूर आइए, आप सभी का कल्याण होगा। सुनो सुनो सुनो, आज गांव में जोहार बाबा आए हैं जिनका प्रवचन रखा गया है। बहू, अरे ओ बहू, बहू। जी माँ जी। तुम मेरी बहू नहीं हो, मेरी बहू कल्याणी है। अपना मनहूस चेहरा दिखाने क्यों चली आई? जी माँ जी। बहू बैठो। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। आज तुम्हारा जन्मदिन है ना, ये तोहफा मेरी तरफ से तुम्हारे जन्मदिन के लिए। लो, पहन कर दिखाओ। अरे वाह माँ, इतना सुंदर हार दादी माँ ने दिया है ना। दादी माँ, जानकी चाची का जन्मदिन आएगा तो उसे भी भेंट दोगी ना? एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। वैसे भी भिखारियों को ऐसे कीमती गहनों की क्या कदर? सुना नहीं तुमने? कुत्तों को घी खिलाओ तो हजम नहीं होता। अहंकार के अधीन होकर लोग दूसरों को दुखी क्यों करते हैं? क्या सुख मिलता है उन्हें दूसरों को दुखी करने में? दुख देना एक मानसिक बीमारी है, इस बीमारी को दूर करने का इलाज क्या है? बड़ी छोटी सी बात है, दूसरों को सुख दो, उन्हें अपने सुख में शामिल करो। बात छोटी है लेकिन आसान नहीं है। किसी को रुलाना आसान है, हंसाना मुश्किल है। किसी को हंसते देखकर हम खुश होते हैं, हमें भी खुशी होती है, हमें भी खुशी होती है, हंसी आती है, तो फिर हम दूसरों की हंसी क्यों छीनते हैं? क्यों दूसरों को दुख देते हैं? ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ऐसी भावना ही हमें पक्षपात करने को मजबूर करती है। पक्षपात है तो अन्याय है, और जहां अन्याय है वहां क्रोध है, शत्रुता है, दुख है। दूसरों को सुख देकर तो देखो कितना सुकून मिलता है तुम्हें। दूसरों को मुस्कुराना सिखाओ,
हंसी के फूल खिलाओ। उनकी जिंदगी में तुम्हें एहसास हो जाएगा कितनी तसल्ली हुई है तुम्हें, कितना समाधान हुआ है। दूसरों को हंसाना, उन्हें खुशी देना, सुखी करना, ये एक कठोर तपस्या है। जिसकी ये तपस्या सफल हो जाती है, मालिक उस पर अपनी कृपा की वर्षा करता है। सबका मालिक एक। अरे श्यामा, सगुण नानावली। अरे वाह नूरबाजी, लक्ष्मी की माँ। अरे देवा, शिरडी में कोई प्रवचन देने आया है। श्यामा, ये शिरडी एक पवित्र भूमि है, यहाँ तो लोग आते ही रहेंगे। बाबा, वो शिरडी का उद्धार करने की बात कर रहा है। नूरबाजी, कोई भी हो, अच्छी बातें तो कर रहा है ना? लेकिन बाबा, उसके साथ द्वारकानाथ और वैद्य कुलकर्णी जी हैं। इसीलिए हमें किसी साजिश की बू आ रही है बाबा। साजिश? साईं बाबा, अपने आप को ज्ञानी और विद्वान कहलाने वाला ये प्रवचनकारी अगर आपके खिलाफ बातें करेगा तो हम सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। सक्कू भाई, किसी के लिए पहले से ही मन बना लेना अच्छी बात नहीं है। लेकिन बाबा, जो अपने आप को ज्ञानी और विद्वान कहलवाता है वो तो अहंकारी होता ही है ना? लक्ष्मी की माँ, उसका प्रवचन सुनने के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचो। अहंकारी होगा तो अहंकार उसका सामने आ ही जाएगा। अरे वाह देवा, आप तो उसका पक्ष लेके बात कर रहे हैं। श्यामा, इंसान का व्यवहार ही उसके स्वभाव का आईना होता है। उस प्रवचनकार के वचन और स्वभाव में कोई अंतर नहीं होगा तो निश्चित ही वो एक महान संत है। इसलिए श्यामा, किसी के बारे में गलत मत सोचो, गलत मत समझो और गलत कदम मत उठाओ। सबका मालिक एक। जी, इस जौहर ने तो शिरडी में आते ही हलचल मचा दी है। जहाँ भी देखिए बस इसी के चर्चे हैं। सत्य वचन द्वारकानाथ जी, सत्य वचन। भगवान, आजकल तो शिरडी में हर कोई यही पूछते घूम रहा है कि वो जौहर बाबा है कौन। अरे कभी तो सच बोला कर, कोई नहीं पूछता कि वो जौहर कौन है। अरे सब जानते हैं, द्वारकानाथ ढोंगी पाखंडी चालबाज है, इन्हीं का तो प्रतिबिंब है वो जौहर बाबा। चुप चुप रह नालायक, जब भी बातें करता है तो टेढ़ी क्यों करता है, हैं? लगता है अब मुझे तुम्हारी जुबान सीधी करनी पड़ेगी, हैं? अरे इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी वैद्य जी, क्योंकि इस समय ये नहीं बोल रहा है, इस पर सवार साईं बाबा का प्रेम बोल रहा है। एक बार इस जौहर को साईं बाबा को लंबा कर लेने दीजिए, फिर देखिएगा शिरडी का हर टेढ़ा इंसान सीधा हो जाएगा। राम राम राम, सत्य वचन द्वारकानाथ जी, सत्य वचन। सारे टेढ़े सीधे हो जाएंगे। अरे हाँ, सबका मालिक एक। अरे नालायक गधे, तुम तो प्रणाम करते ही हो, मुझसे भी करवाना चाहते हो, फिर से कहा तो हाथ तोड़ दूंगा, समझे?
बैद जी, ढोंडू के रूप में आपने घर का भेद ही पाला है। ओसा भी है। अरे आप सब लोग यहाँ? द्वारिकानाथ जी कैसे हैं आप? क्यों खामखा मेरे गले पड़ रहे हो? मैं कैसा हूँ कैसा नहीं हूँ इससे तुम्हें क्या मतलब? अपने काम से काम रखो साईं। हाँ। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था द्वारिकानाथ जी, आप तो वैद्य जी के साथ ही होते हैं, आप तंदुरुस्त कैसे नहीं रहेंगे? साईं, तुम मुझे ताने मार रहे हो? नहीं नहीं वैद्य जी, मैं तो सच्चाई बयान कर रहा हूँ, आपका गौरव कर रहा हूँ वैद्य जी। बाबा हाँ? मेरा भी गौरव कीजिए ना। हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं, तुम तो वैद्यों के वैद्य वैद्यराज बाबा हो। जितना गुणगान करना है साईं कर लो, अब तुम्हारा समय आने वाला है। नहीं द्वारकानाथ जी, मेरे तो अच्छे दिन आए हैं, क्योंकि आप ही की वजह से शिरडी के लोगों को जानकारी होगी कि सच क्या है और झूठ क्या। क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्योंकि मैं आपकी तरह बकता नहीं हूँ द्वारकानाथ जी, हमेशा सच बोलता हूँ। आपको ही आदत है झूठ को बार बार दोहराने की, क्योंकि आपको विश्वास है कि बार बार झूठ को दोहराया जाए तो लोग सच समझने लगते हैं। सत्य वचन बाबा, सत्य वचन। लेकिन सच को दोहराने की जरूरत नहीं पड़ती है द्वारिकानाथ जी, क्योंकि सच एक ज्ञान है, एक साक्षात्कार है, एक अनुभव है। जो सत्य का अनुभव कर लेता है वो जान जाता है कि झूठ क्या है। द्वारिकानाथ जी, आईने के सामने जब हम खड़े होते हैं और जो अक्स दिखाई देता है, छवि दिखाई देती है, वो झूठी होती है, और जब आईने के सामने से हट जाते हैं तो झूठी छवि गायब हो जाती है। तो ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो साईं? इसलिए सुना रहा हूं द्वारिकानाथ जी, क्योंकि आप बार बार झूठ को सच बताना चाहते हो, लेकिन झूठ झूठ ही होता है। जब सच सामने आता है तो झूठ की पोल खुल जाती है। पीतल पर सोने का पानी चढ़ा देने से पीतल सोना नहीं हो जाता, पीतल पीतल ही रहता है। सबका मालिक एक। अरे राम राम राम, द्वारिकानाथ जी, इस ढोंगी साईं ने जौहर के बारे में कुछ नहीं बोला। सुना नहीं साईं बाबा ने क्या कहा? वो जौहर पीतल है, लाख कोशिश करो उसे साईं बाबा बनाने की, वो साईं बाबा नहीं बन सकता। इतनी सी बात नहीं समझते है? अरे नहीं नहीं ढोंडिया, मैं समझ गया, वो साईं सोना है, वो जौहर पीतल है, और तुम पत्थर हो पत्थर। अरे मार क्यों रहे हो? आपको सच का साक्षात्कार करना पड़ेगा, समझे? सुना, साईं बाबा सच थे और वो जौहर आईने में दिखाई देने वाली छवि, प्रतिबिंब, समझे के नहीं? अरे नालायक, अरे राम राम राम, देख रहे हैं द्वारकनाथ जी, उस ढोंगी साईं के साथ रह रह के ये अपने आप को ज्ञानी समझने लगा। सबको उस मालिक ने बनाया है, उस ईश्वर ने बनाया है, वो मालिक हम सबको जानता है। इंसान अपने आप को बुद्धिमान समझता है, वो ईश्वर को जानना चाहता है, मालिक को देखना चाहता है, वो मालिक के दर्शन करना चाहता है। राम राम राम, द्वारिकानाथ जी, जीवाजी, ढोंडिया, आप सब देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सारी शिरडी यहीं आकर इकट्ठी हो गई है। देख लीजिएगा वैद्य जी, हाँ? इस साई को भी जौहर की शरण में आना पड़ेगा। हाँ?
लेकिन इंसान ईश्वर को, मालिक को कैसे देख सकता है? ईश्वर तो कहीं दिखाई नहीं देता और हम उसे देख नहीं सकते, लेकिन वो हमें देखता है। कई लोग मालिक को, ईश्वर को ढूंढने के लिए हिमालय जाते हैं, जंगलों में जाते हैं, तीर्थों को जाते हैं, मंदिरों को जाते हैं, तो क्या उन्हें मालिक के दर्शन होते हैं? क्या वो मालिक को पहचानते हैं? नहीं, मालिक को पहचानोगी भी कैसे? मैं तुमसे पूछता हूं कि मालिक की पहचान क्या है? वो कैसे दिखते हैं? कहां रहते हैं? इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मालिक को, ईश्वर को मत ढूंढो, उसे खोजो भी मत। मालिक को सिर्फ जानने की कोशिश करो, क्योंकि यह कोशिश ही भक्ति है। यह कोशिश ही तुम्हें बता देगी कि मालिक तो चारों तरफ है, इसमें, उसमें, मुझ में, तुम में, हम सब में है। सबका कल्याण हो। गुरु जौहर की जय। गुरु जौहर की जय। गुरु जौहर की जय। गुरु जौहर की जय। कल्याणी, हरि ओ कल्याणी। राजू, कल्याणी, सोने का ये हार माँ जी ने दिया है। अरे वाह वाह। क्या चाचू, दादी माँ ने जानकी चाची को कुछ नहीं दिया। ऊपर से बोली कि फूटी कौड़ी तक नहीं दूंगी। भिखारियों को ऐसे सोने की गहने की क्या कदर। साथ में ये भी बोली, कुत्तों को घी दो तो उसे हजम नहीं होता। राजू, तुम्हारे चाचा ने शादी के समय जब तुम्हारी चाची के गले में फूलों का हार डाला ना, तब से तुम्हारी चाची के लिए ऐसे सोने के हारों की कोई कीमत ही नहीं रही। क्यों राजू की चाची, मैं सच बोल रहा हूं ना? संतोष इंसान का सबसे बड़ा आभूषण है, सबसे बड़ा अलंकार है और सबसे बड़ा गहना है। संतोष और समाधान ये दोनों जुड़वा भाई हैं। ये दोनों भाई जिस इंसान के दिल को अपना घर बना लेते हैं, वो इंसान भाग्यशाली होता है। उस इंसान को आत्मानंद का अनुभव होता है और उस अनुभव के सामने वैभव, संपत्ति, ऐश्वर्य, सत्ता, सिंहासन, स्त्री, सभी सुख तुच्छ नजर आते हैं। किसी चीज का आकर्षण मोह नहीं रहता। क्यों? क्योंकि संतोष मालिक का आशीर्वाद है, संतोष मालिक का वरदान है, संतोष मालिक की कृपा का साक्षात्कार है। जहां संतोष है वहां ईर्ष्या, द्वेष, तिरस्कार, अविवेक, इन्हें स्थान नहीं मिलता। इंसान का मन अति चंचल होता है और चंचल मन इधर से उधर और उधर से इधर हमेशा भटकता रहता है। जिसने भी अपने इस चंचल मन पर अंकुश लगा दिया
वही योगी है। संतोष योग का ही दूसरा नाम है, इसलिए संतोष योगियों की समाधि है। सबका मालिक एक। गुरुजी, गुरु जौहर बिल्कुल साईनाथ की तरह प्रवचन देता है, आवाज भी अच्छी है, बातों से तो ऐसा लगता है जैसे सब सिखाया गया हो। फिर भी मेरा अंतर्मन मुझसे कह रहा है गुरुजी कि ये गुरु जौहर सच्चा नहीं है। सच्चा होता तो जैसे नाना वाली ने कहा, वो द्वारकानाथ जैसे ढोंगी को अपना साथी नहीं बनाता। मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि द्वारकानाथ जी साईं बाबा को अपना दुश्मन क्यों मानते हैं? अरे मैंने तो सुना है कि द्वारकानाथ ही गुरु जौहर को शिरडी में लेकर आया है। ए शगुन भैया, मैं बता देता हूँ, हाँ मैं उस द्वारकानाथ की ना टांगे तोड़ दूंगा, ना तो वो शिरडी से बाहर जा सकेगा और ना किसी जौहर बाबा को शिरडी के अंदर ला सकेगा। हाँ। अरे कहाँ जा रहे हो? मैं उस द्वारकानाथ की टांगे तोड़ने जा रहा हूँ। अरे ए द्वारका, रुक। अरे नानावली, अरे रुको। मोटू, अरे रुक, रुक, तेरे पेट की हवा निकालता हूँ, रुक। अगता का है, रुक। बंदर, अभी तेरे पेट की सारी हवा निकाल के तुझे हल्का करता हूँ। ए रुक। अरे अरे मेरा पीछा छोड़ दे बंदर नानावली, रुक जा। रुक। अरे अगता का है, ये ले। अब तुम्हें ईश्वर के पास भेजता हूँ ताकि हम सबका कल्याण हो। तुम्हारा वो गुरु जौहर यही चाहता था ना कि हमारा कल्याण हो। तुम शिरडी में नहीं रहोगे तो हमें शांति मिलेगी, बचाइए मिलेगी, यही चाहता है ना तुम्हारा गुरु जौहर? नानावली छोड़ दो। लेकिन बाबा, मैंने कहा ना द्वारकानाथ को छोड़ दो। ये कैसा पागलपन है नानावली? मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि हर किसी से दोस्ती करो और तुम हो कि? लेकिन बाबा, ये दोस्त बनाने के लायक ही नहीं है। सुना वैजी, चुप। बाबा ये आपसे दुश्मनी करता है। अगर कोई हमसे दुश्मनी करता है तो क्या ये जरूरी है कि हम भी उससे दुश्मनी करें? हमें तो हर किसी से दोस्ती करनी चाहिए। अगर कोई रास्ता भटक गया है तो उसकी उंगली पकड़कर उसे सही रास्ते पर लाना जरूरी है। कभी किसी को बुरा नहीं समझना चाहिए नानावली। अगर कोई हमसे गाली गलौज करता है तो क्या ये जरूरी है कि हम भी उसके साथ गाली गलौज करें, उसके साथ मारपीट करें? हम क्यों अशांत हो नानावली? बाबा, ये द्वारकानाथ जी ही अशांति फैलाते हैं। नूरबाजी, कुछ लोग महत्वाकांक्षी होते हैं और जहाँ महत्वाकांक्षा होती है वहाँ शांति होती होती है। शांति वहाँ है जहाँ समर्पण की भावना है। तुम सभी शांति बनाए रखो। वैजी, शांति बनाए रखने के लिए इस जाड़िये को शिरडी से बाहर भेज देना चाहिए। ज्ञानी और विद्वान कहते हैं कि मालिक पर श्रद्धा और विश्वास का होना बहुत जरूरी है। फिर भी इंसान का अपने आप पर विश्वास नहीं होगा तो मालिक पर विश्वास करने का कोई फायदा नहीं है नानावली। इंसान को अपने आप पर विश्वास नहीं होगा तो मालिक भी उसकी मदद नहीं कर सकता। इसलिए अपना आत्मविश्वास बुलंद करो नानावली, बुलंद। फिर न मन अशांत होगा ना शांति फैलेगी। सबका मालिक एक। अरे
तुम्हारी हवा निकाल दूंगा। भाग के आ जारिया। माँ, तुमने कल्याणी को बड़ा सुंदर हार लेकर दिया है। ये तो कुछ भी नहीं है बेटा, मेरे पास तो इतना सोना है कि मैं। माँ जी, देवर जी आए हैं। तुम्हारे देवर जी आए हैं तो क्या मैं बैंड बाजा बजवाकर उसका स्वागत करूं? स्वागत मत करो माँ, सिर्फ मुझे इतना बता दो कि तुम दो बहुओं में फर्क क्यों करती हो? एक को सोने का हार देती हो और दूसरी को ताने, ये फर्क क्यों माँ, क्यों? मेरी मर्जी। मैं अपनी मर्जी की मालकिन हूँ, तुम दूसरी शादी कर लो मेरी पसंद की लड़की से, मैं उस दूसरी बहू को भी सोने से लाद दूंगी। इतना सोना कि देखने वाले कहेंगे, अरे ये तो सोने की लड़की है। लेकिन मुझे सोने की लड़की से शादी नहीं करनी है माँ, और ना ही दूसरी शादी। मैं तो बस ये कहने आया हूँ कि आज के बाद इस घर में जानकी का अपमान नहीं होना चाहिए। ये मेरा घर है रघु। मेरा भी तो घर है माँ, क्या नहीं है? माँ को धमकी दे रहे हो रघु? नहीं भैया, जो सच है वही बता रहा हूँ। मैं तो बस ये समझाना चाहता हूँ कि जैसे मैं इनका बेटा हूँ, उसी तरह मेरी पत्नी इनकी बहू। वो मेरी बहू नहीं है, मैं उसे अपनी बहू नहीं मानती। आपके मानने या ना मानने से क्या सच्चाई बदल जाएगी माँ? मैंने जानकी से शादी की है, वो इस घर की बहू है माँ। इसके इस अधिकार को आप कैसे ठुकरा सकती हैं? आप नहीं ठुकरा सकती हैं माँ, इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ माँ कि जानकी के साथ बुरा व्यवहार मत करो, वो एक अच्छी लड़की है माँ। उसका यूं तिरस्कार होते मुझसे देखा नहीं जाता माँ, क्योंकि मैं उसका पति हूँ माँ, पति। क्या हुआ दोस्त, अचानक हंसने क्यों लग गए? शबन, किसी सोच पर हंस रहा हूं मैं। अरे किसी के मानने या न मानने से क्या होता है? मालिक है, ईश्वर है, भगवान है, यही तो सत्य है। अगर भगवान है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देते? श्रवण, क्या तुम्हें हवा दिखाई देती है, खुशबू दिखाई देती है? लेकिन तुम उसे महसूस कर सकते हो, अनुभव कर सकते हो। इसी तरह मालिक का भी अनुभव किया जा सकता है। मालिक को मन की आंखों से देखना चाहिए, इस तन की आंखों से नहीं। अगर मन की आंखों से देखोगे तो अनुभव करोगे कि मालिक है। तुमने कभी सोचा कि आकाश बिना खंभे के कैसे टिका हुआ है? हाँ? अचानक आकाश से बरसात होती है, जमीन से फसल कैसे होती है? एक छोटा सा बीज इतने बड़े वृक्ष का रूप कैसे ले लेता है, कैसे तब्दील हो जाता है? जो सूरज आज डूब गया है, कल फिर से उदय कैसे होगा? पंछी कैसे उड़ते हैं,
फल और फूल कैसे आते हैं? अगर सोचोगे तो विश्वास होगा कि मालिक है। इसी तरह अहंकार के अधीन होकर जब कोई कहता है कि ये मेरा बेटा नहीं, ये मेरी बहू नहीं, लेकिन अगर वो तुम्हारा बेटा है तो ना मानने से क्या होता है? सच्चाई को अनदेखा नहीं किया जा सकता श्रवण, सच को ठुकरा नहीं सकते। और जानते हो सच क्या है? वो वही सत्य है और बाकी सब झूठ, यही ना? अच्छा।